एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। हेडिंग लगाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। Let fx be the real function and a be any real number. Then fx is differentiable at x is equal to a if f dash a is equal to limit x tends to a fx minus fa upon x minus a exist finitely. कोई fx एक यहाँ पे रियल नंबर है, कोई fx यहाँ पे एक रियल फंक्शन है और एक रियल नंबर है। तो fx पॉइंट x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होगा यदि f डैश a लिमिट x टेंस टू a fx माइनस f a अपॉन x माइनस a लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइटली एग्जिस्ट यानी नाइदर टेंस टू माइनस इन्फिनिटी नॉर टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यानी ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंस नहीं करना चाहिए ना ही प्लस इन्फिनिटी की ओर टेस्ट करना चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए दिखाते हैं, हम लोग इक्वल शो करते हैं इसको। इसको डिनोट करेंगे एल एफ डैश से और इसको आर एफ डैश से। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका। लिमिट यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। उसी तरह से अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैस। लिमिट यहाँ पे लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, फंक्शन जो दिया हुआ था एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो
और x यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा a प्लस एच से, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ x हो जाएगा a प्लस एच माइनस ए, ए कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यह हो गया फाइनल फार्मूला। यदि कोई फंक्शन गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का इक्वल होना चाहिए, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच। ठीक है, तो इसका फाइनल फार्मूला हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। एक पॉइंट नोट करते हैं यहाँ पे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, बट इसके विपरीत हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू ए, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। फंक्शन डिफरेंशिएबल इसलिए क्या होगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए। नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ x माइनस एफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। लिमिट
एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए। नीचे वाले स्टेप को हम यहाँ पे लिखे हैं, इसके आगे देखिए। ऊपर में हम लिखे थे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ए, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एफ डैश ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, इसमें हम लिमिट का वैल्यू ए पुट करेंगे तो फाइनली एफ ऑफ ए फाइनली एफ ऑफ ए ही हो जाएगा ये इज इक्वल टू एफ डैश ए इंटू यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा टोटल जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू होल टर्म जीरो, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फंक्शन एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये शो करता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है पॉइंट ए पे। तो प्रूफ हो गया कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, दिस शो एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। देखिए हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, इस फंक्शन को एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन डिफरेंशिएबल शो करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या कंडीशन था, आर एच डी इज इक्वल टू एल एफ डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू वन, ए का वैल्यू हो जाएगा वन, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ वन प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ वन यानी वन का स्क्वायर अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस वन अपॉन एच
वन से वन कैंसिल, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे h हम कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा वन प्लस एच प्लस टू अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, अब लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू, ये आया वैल्यू आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, वन पुट करते हैं यहाँ पे, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, लेट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वन माइनस एच का वैल्यू हो जाएगा वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, इसको सॉल्व करते हैं आगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, वन से वन कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच यहाँ से कॉमन कर लेंगे, एच माइनस टू बचेगा अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच माइनस टू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टू माइनस एच, लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, टू माइनस जीरो इज इक्वल टू टू, यहाँ पे देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू टू आ गया, दोनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू वन डिफरेंशिएबल होगा, लास्ट में नीचे लिख देंगे। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आए थे, लिख देंगे हेंस एल एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एट एक्स इज इक्वल टू वन, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी शो करना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो सबसे पहले इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, आर एफ डैश इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे दो फंक्शन है एट एक्स ग्रेटर देन टू, फंक्शन है एफ फाइव माइनस एक्स एंड एक्स लेस और इक्वल टू टू पे फंक्शन है वन प्लस एक्स, तो यहाँ देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट लेते थे ए प्लस यानी ग्रेटर देन ए, यहाँ ए का वैल्यू है टू, तो टू ग्रेटर देन टू फंक्शन कौन सा हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन टू पे फंक्शन हो जाएगा फाइव माइनस एक्स, तो लेंगे यहाँ पे टू प्लस यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा एफ प्लस ए का वैल्यू टू प्लस एच माइनस एफ ए का वैल्यू टू अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस एच फंक्शन कौन सा हो जाएगा फाइव माइनस एक्स, एक्स के जगह पे टू प्लस एच पुट कर देंगे फाइव माइनस टू प्लस एच माइनस एफ टू यानी टू के इक्वल फंक्शन कौन सा है वन प्लस एक्स, तो वहाँ पे हो जाएगा वन प्लस और एक्स के जगह पे टू अपॉन एच, इसको आगे सॉल्व करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव माइनस टू माइनस एच माइनस थ्री अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, सब बचेगा माइनस एच बाई एच इज इक्वल टू माइनस वन,
उसी तरह से निकालेंगे लेफ्ट एस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एफ ए बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे टू माइनस एच एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच यहाँ पे लिमिट होता था ए माइनस ए निगेटिव यानी लेस देन ए, कौन सा फंक्शन हो जाएगा वन प्लस एक्स, तो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे टू माइनस वन प्लस एक्स के जगह पे टू माइनस एच माइनस टू के इक्वल भी फंक्शन क्या है वन प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा वन प्लस और एक्स के जगह पे टू अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो इसको सॉल्व करते हैं वन प्लस टू माइनस एच माइनस थ्री अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा बचेगा माइनस एच अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू वन, यहाँ आर एफ डेस का वैल्यू निगेटिव वन और एल एफ डेस का वैल्यू पॉजिटिव वन दोनों अनइक्वल है इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, लास्ट में लिख देंगे आर एफ डेस इज नॉट इक्वल टू एल एफ डेस हेंस गिवेन फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, बस यही बोला इसका सोल्यूशन। आप लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।